दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों को मास्टर्स करने के बाद में ये जो है एक डाउट रहता है कि क्या पीएचडी करना उनके लिए एक राइट मूव होगा या नहीं होगा फॉर देयर करियर। और अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप उनको ये होता है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ेगी, वो अच्छी चीज़ हो या भले बुरी चीज़ हो। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो है एक वीडियो बनाऊं जिसमें फॉर दिस वीडियो मैं आपको ब्राइट साइड बताने वाला हूं और किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डार्क साइड बताने वाला हूं। तो क्या हैं ये पीएचडी करने के ब्राइट साइड, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ द साइंटिफिक माइंड। आप भले ही सोशल साइंस में पीएचडी कर रहे हो या साइंस के किसी और स्ट्रीम में पीएचडी कर रहे हो, पर ऐसा ज़रूर होगा कि आपको जो है आपको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग मिलेगी कि किस तरह से एक साइंटिफिकली आपको इंक्वायरी करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है, ऑब्जर्वेशन लेना होता है, अनबायस्ड। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है आपको मिलेगी। तो एक साइंटिफिक माइंड जो है वो अगर आपके बिहेवियर लेवल पे भी उतर सके, डे टू डे लाइफ में भी गुजर सके, तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि अब आप जो है एक तरह से अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली लीड कर सकते हैं अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी। सेकंड थिंग ये है कि आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है आप काम कर रहे होगे, कि लेट्स से कि इस 3 महीने जो है आप फॉर एग्जांपल कुछ और काम कर रहे हो, अगले 3 महीने कुछ और काम कर रहे हो, तो लर्न करने को बहुत कुछ है। काम में जो है हमेशा कुछ ना कुछ काम के लेवल पर डिफरेंस आता रहेगा। यू विल कीप डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, एंड एक्सपेरिमेंट जो है उसका मतलब यही है कि आप हमेशा हर बार कुछ भले एक ही तरह का काम भी कर रहे हैं लेकिन कुछ अलग तरह से कर रहे होंगे, तो अलग रिजल्ट्स जो है वो आ रहे होंगे। तो वो जो एक मोनोटोनस है वो इसमें नहीं है। थर्ड थिंग जो कि आप है कि आप एकेडमिक में कनेक्टेड हैं, यानी कि आप वहाँ पे होने वाली जो भी सोशली वहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर चला जाऊँ 10-11 बजे 12 बजे तो वहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे होंगे यहाँ पे, या फिर कहीं कुछ और जो है लोग कुछ काम कर रहे होंगे। तो एक तरह से आप सोशली इन्वॉल्व रहेंगे, और एकेडमिक्स में है तो आपको जो है एक मतलब यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, यू विल ऑलवेज बी अमंग योर फ्रेंड्स। तो अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं तो वो एकेडमिक की जो लाइफ है, जो थ्रिल है, जो मज़ा है, वो अभी भी वहाँ पे रहेगा। फोर्थ थिंग इज़ कि आपको जो है कोऑर्डिनेशन जो है लोगों से करना आएगा। फॉर एग्जांपल जो है आप एक ही लैब के अंदर हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल कंपनी, और आप जो है कोई काम कर रहे हैं और आपका काम किसी और के साथ कोइंसाइड कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर है वहाँ पे जो है आपका काम किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द पीपल ताकि जो है आप लोगों के साथ स्मूथली काम कर सकें और आपका काम भी हो सके और उनका काम भी हो सके। तो आपको जो है ये कोऑर्डिनेशन बहुत आएगा। इसके अलावा जो है जैसे आपके बॉस के साथ जो डीलिंग है वो कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, सीनियर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, जूनियर के साथ कैसे किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक कोऑर्डिनेशन के लेवल पर सीखते हो कि कैसे जो है एज ए टीम काम किया जाए। फिफ्थ थिंग विच इज़ द कोलेब्रेशन, वो भले एक लैब के अंदर हो रहा हो या फिर दूसरी लैब के साथ में हो रहा हो, लेकिन उस कोलेब्रेशन से आपको ये जरूर समझ में आएगा कि किस तरह से प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाए, किस तरह से एक डेडलाइन का कैसे इंपॉर्टेंस है अगर आप एक कोलेब्रेटिव फैशन में कर रहे हो। वैसे डेडलाइन का इंपॉर्टेंस तो वैसे भी है जब आप कोलेब्रेशन में नहीं भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी किस तरह से प्रोफेशनली चीज़ों को लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो दैट इज़ समथिंग यू विल रियली लर्न इन दैट। सिक्स थिंग इज दैट इज़ द डीलिंग विद द फेलियर्स, क्योंकि एक पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ में जितने भी वो एक्सपेरिमेंट लगाता है तो ऐसे समझ लो कि हार्डली पूरी की पूरी पीएचडी में 15-20 फिगर्स होंगे जो कि सच में रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं, और बाकी के जो आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे जो फिगर होंगे वो मतलब इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे या दे विल बी डीम टू फेलियर। तो एक पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ में एक्सपेरिमेंट के लेवल पे बहुत सारी फेलियर आती है, तो उन फेलियर्स के साथ में कैसे डील किया जाए, कैसे जो है पेशेंस रखा जाए, कैसे ग्रेसफुली उन फेलियर्स को एक्सेप्ट किया जाए, ये आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपकी अमूमन ज़िंदगी में भी डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आएगा। सेवन थिंग इज़ कि आपको जो है अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है आपको हमेशा इसमें जो है शार्प होंगे, सिंपली बिकॉज जो है आपको अपना काम है वो आपकी किस तरह से काम किया, क्या रीज़न था, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे एनालिसिस किया, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है प्रेजेंट करने के जो स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो आपके ज़रूर इम्प्रूव होंगे। आपके जो ओरेटरी स्किल है कि किस तरह से जो है कम्युनिकेट किया जाए ताकि जो है आउट ऑफ द फील्ड अगर पर्सन है उसको भी जो है आप अपना काम अच्छे समझा सको, एज गुड एज अगर बहुत एक्सपर्ट है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझा सको, तो दैट प्रेजेंटेशन, दैट ऑरेटरी स्किल इज समथिंग यू विल रियली लर्न।
एट थिंग इज दैट इज द राइटिंग स्किल, कि आपने जो है कुछ काम किया है, कुछ प्रेजेंटेशन तो भली दे दी है लेकिन इवेंचुअली आपको उसको थीसिस की फॉर्म में कम्युनिकेट करना होगा, कहीं पे हो सकता है आपको एब्स्ट्रैक्ट भेजना है पोस्टर वगैरह के लिए तो वहाँ पे कम्युनिकेट करना होगा, हो सकता आपको पेपर जो लिखना है अपना रिसर्च आर्टिकल लिखना होगा उसके लिए कम्युनिकेट करना होगा, रिव्यू लिख रहे हो तो उसके लिए, तो आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं कि किस तरह से उसे लिखा जाए, प्रॉपर रेफरेंसिंग कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें भी जो है आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। नाइन्थ थिंग इज कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है अपने विद इन द कंट्री ऑल्सो, और आप बाहर भी जाना चाहते हो तो, और वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होता है, राइट? तो साल में जो है एक से दो आई गेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो नेशन वाइड, और यहाँ पे जो साल में पाँच साल में एक बार जो है आप बाहर जा सकते हो, और इन सबका खर्चा जो है जो जो भी अलग अलग फंडिंग एजेंसीज हैं वो उठा रही होती है। तो बेसिकली आप बिल्कुल फ्री के अंदर जो है कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपना काम वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी जो है इसके अंदर क्योंकि स्कॉलरशिप है तो किसी भी तरह का इसमें टैक्स का कोई सिस्टम नहीं है, आप भले ही आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं 4 लाख रुपए हैं तो टैक्स की आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जो है स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो ऑप्शनल है, हर लैब के लिए हर जगह के लिए वैलिड है, मतलब वैलिड नहीं है, लेकिन जैसे आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो है मान लो सैटर संडे को काम करना चाहते हो और मंडे को ऑफ लेना चाहते हो तो दैट्स फाइन, राइट? तो इस तरह से जो है आप अपना डे और अपना टाइम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अनदर ऑप्शनल थिंग इज कि आपको जो है वो काम करने का पैसा मिलता है जो उसमें आपका सच में इंटरेस्ट है। अगेन दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे जो है बॉस इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग, और हो सकता है आपको काम वो ना करने दे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग। तो ये थे मेरी तरफ से जो है टोटल जो है 12 ब्राइट साइड ऑफ बींग अ पी एच डी स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।